अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं अभी कोई फ्रेश भी नहीं हुआ, अभी उठाऊँ थोड़ी देर पहले। कपास की चुनवाई हो रही थी और उसका जो आगे का सिलसिला है, वजन वगैरह होना है या जो कुछ भी होता है, मैंने सोचा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह वो हो रहा है, अब चुनवाई हो चुकी है और अब उसका वजन वगैरह हो रहा है, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। हमारी जो ये वाली मशीन है ना, टोका वगैरह जिस पर करते हैं जानवरों के चारे वगैरह का, ये हो गई थी, ख़राब नहीं हुई थी बल्कि टूट गई थी इसकी, मतलब लोहा वगैरह तो था ना, वो टूट गया था। अब ये उतार के लेके जा तो सकते नहीं बाइक वगैरह पर, ये तो भारी चीज़ है। तो ये भाई हमारे जानने वाले हैं, ताल्लुक वाले हैं, तो इनको हमने बुलाया इधर ताकि जो है ना वेल्डिंग वगैरह के साथ इसका काम करवा सकें अच्छी तरह। तो अब ये काम कर रहे हैं अपना, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिस्त्री का घर बुलाने का यही फायदा होता है कि आपके जो छोटे मोटे अलग काम है, एक्स्ट्रा काम जो आप आलस के मारे नहीं करवाते, तो वो भी आप करवा लिया करते हैं। तो अब ये बच्चों वाला साइकिल पड़ा था हमारा, अब ये भी बनवा रहे हैं। आया तो वो दूसरी मशीन बनाने के लिए था, लेकिन ये भी पड़ा था, इसका काम भी, तो हमने सोचा ये भी करवा देते हैं। कपास वगैरह की चुनवाई और वज़न वगैरह वो सारा सिलसिला वो भी निमट गया था, और उसके बाद तो आपको दिखाया है, वो आ गया था मिस्त्री और उसके साथ वायरिंग वगैरह करवाई है, वो भी सारे काम हो गए हैं। तो अब फ्री हो के बाहर निकला हूँ, फ्रेश मैं अभी तक नहीं हुआ, अभी मुझे अपनी ट्यूब वेल चलानी है, तो इसी पर फ्रेश होते हैं इंशाल्लाह। कुछ ये काम करना है, कुछ ये करते हैं और इसके बाद चलाते हैं ताकि पानी जो है ना इधर उधर ना जाए, तो जो जगह ठीक करनी है ना वो कर लेते हैं और फिर ट्यूब वेल चलाते हैं इंशाल्लाह। Thank you।
मैंने ट्यूबवेल चलाकर पानी लगाया हुआ है, ये बड़ा मुश्किल काम है, सांस चढ़ गई है मुझे। और ये है कि ये बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो पानी जा रहा है चावल की फसल की तरफ, और तकरीबन 2-3 घंटे में जो है फसल में पानी पूरा हो जाएगा, तो फिर बंद कर देंगे इंशाल्लाह ट्यूबवेल को। ट्यूबवेल का भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बिल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिट हो जाते हैं, बिजली रोज़ाना महंगी हो रही है, तो मजबूरी है, अब चलानी तो पड़ती है हमें। तो बस मैं ये है कि 2-3 घंटे बाद इस ट्यूबवेल को बंद कर दूँगा। तो मैंने खाई वगैरह का जो काम था वो सारा मुकम्मल कर लिया, इधर उधर तक के पानी ज़ाया ना हो, जिधर से ज़मीन मतलब खाई वगैरह में जो था ना जगह बनी हुई जहाँ से पानी बाहर जाए, वो मैंने बंद कर लिया है आपने देखा, क्योंकि बिजली आपको पता है बताया आपको कितनी महंगी है, तो फिर ये काम जो है ना वो ठीक से करना पड़ता है। तो अब पानी जाता रहेगा आगे फसल की तरफ, इंशाल्लाह 2-3 घंटे में फसल का पानी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं ना अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब हो जाता हूँ फ्रेश, नहा धो लेता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ट्यूबवेल तो चलती रहेगी शाम तक, तो फिर बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब शाम का टाइम हो चुका है मुकम्मल, और जो ट्यूबवेल थी वो मेरी वो आपको पीछे नज़र आ रही है कि मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जो चावल की फसल का पानी मुकम्मल हो गया था तो अब मैंने बंद कर दिया है। और बाकी भी जो आज की रूटीन थी वो भी आपके साथ शेयर किया, तो अब मैं अपने व्लॉग का करता हूँ एंड। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिला करेंगे रोज़ाना। अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।